हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खास बातों के बारे में जो कि अगर आप नई गाड़ी खरीदने वाले हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान करने वाले हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपको काफी फायदा हो सकता है इस वीडियो से अगर आप नई गाड़ी खरीदने वाले हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबसे अपना जो है एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं दो गाड़ियों खरीदने का। पहली गाड़ी जो कि डिजायर, जिसपे हमें बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिला, और दूसरी गाड़ी जो कि बलेनो डेल्टा, जिसको खरीदते हुए हमने करीब 77,000 का डिस्काउंट लिया। तो मैं आपको बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कुछ बातें जो कि अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हैं तो आपको बुकिंग के टाइम पे और गाड़ी की पेमेंट के टाइम पे या गाड़ी की डिलीवरी के टाइम पे आपको ध्यान रखनी चाहिए, और आपको भी काफी ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 3 काम आपको करने जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन 4 पॉइंट्स की, वो 4 स्टेप्स जो कि आपको डिस्काउंट दिलवा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि है बुकिंग। तो बुकिंग के टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बुकिंग के टाइम पे अगर आपको जो भी डिस्काउंट लेना है, जो भी आपको नेगोशिएशन करना है, वो सब आपको बुकिंग के टाइम पे ही करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बुकिंग के टाइम के बाद, आप बुकिंग के बाद पेमेंट के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे आप डिस्काउंट ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सेल्स पर्सन ये बोलता है कि आप जब पेमेंट करेंगे या गाड़ी की डिलीवरी, गाड़ी लेने आएंगे, तब हम आपसे डिस्काउंट, तब हम देख लेंगे जो भी हो पाया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपको डिस्काउंट लेना है आपको बुकिंग से पहले ही बात करनी होगी। और सेम गलती हमने करी थी, लेकिन हमें डिजायर के टाइम पे ऐसा कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला। हमने बुकिंग के टाइम पे कोई भी बात नहीं करी थी और हमें डिस्काउंट नहीं मिला। और जब हमने गाड़ी खरीद ली, कुछ दिनों बाद हमें सेल्स पर्सन ने ही ये टेक्निक बताई कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको गाड़ी की बुकिंग के पहले ही आपको बात करनी होगी। तो ये हमें किसी सेल्स पर्सन ने बताया था, जो मैं आप सबको शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, पहली गाड़ी खरीदने वाले हैं आप, तो आप पूरी कोशिश करें कि आप बुकिंग के टाइम पे ही जो नेगोशिएशन करना है वो करें। चलिए बात कर लेते हैं कि नेगोशिएशन कैसे करना है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि जो सेल्स पर्सन होते हैं वो काफी अच्छे से ट्रेंड होते हैं कि कैसे कस्टमर को इम्प्रेस करना है, कैसे कस्टमर को पटाना है। और वो जो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस बताते हैं उसमें वो एक्सटेंडेड वारंटी और एक्सेसरी किट का इंक्लूड करके बताते हैं। तो काफी कस्टमर्स को ये नहीं पता होता है कि जो ऑन रोड प्राइस है उसमें एक्सटेंडेड वारंटी और जो एक्सेसरीज किट है वो इंक्लूडेड है, वो मैंडेटरी है या नहीं, क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि ये मैंडेटरी है। और सेल्स पर्सन भी इस तरीके से घुमा फिरा के बताते हैं कि ये चीजें जो है वो मैंडेटरी है और आपको खरीदनी होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंडेटरी नहीं है, आप 30,000 से 40,000 बचा सकते हैं एक्सटेंडेड वारंटी और जो एक्सेसरी किट है वो ना लेके, क्योंकि शायद ही उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। बाकी हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो चीजें हैं वो उतनी मैंडेटेड नहीं होती। इसके अलावा आप बात करते हैं कि नेगोशिएशन कैसे करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम इंडियंस की काफी ज्यादा, मतलब ये खासियत है कि जब हम सब्जी मंडी में किसी छोटी दुकान से या रेडी से कुछ भी सामान लेते हैं तो हम 5-5, 10-10 रुपए के लिए नेगोशिएट करते हैं और हम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन जब हम, जैसे ही हम शोरूम में घुसते हैं और हम थोड़ा हिचकिचाते हैं, यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट लेने के लिए काफी लोग जो है वो शर्माते हैं कि कैसे बात करेंगे, जो भी है, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लोग डिस्काउंट लेते हुए। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत की कमाई है और आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर डिस्काउंट मांगिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बुरा मानने वाला नहीं है, आपके अपने पैसे हैं। और इसके अलावा जब भी आप शोरूम में विजिट कर रहे हैं तो आप जल्दबाजी मत कीजिए, आप ये मत शो कीजिए कि आप यही गाड़ी के लिए इंटरेस्टेड है और कुछ भी हो जाए यही गाड़ी खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बलेनो खरीदना चाहते हैं तो आप शोरूम में जा रहे हैं तो आप ये मत शो कीजिए कि आप कुछ भी हो जाए बलेनो को ही खरीदेंगे। आप ये शो कीजिए कि आप i20 के लिए भी जा सकते हैं, अल्ट्रोज के लिए भी जा सकते हैं, जहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा, जहां पे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आप वो गाड़ी खरीदेंगे। तो आप इस तरीके से बात कीजिए। और इसके अलावा अगर आप किसी छोटे शहर में या फिर आप किसी बड़े शहर में जहाँ पे ज्यादा डीलर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली है तो दिल्ली में कम से कम 3-4 जो है शोरूम्स हैं, सिर्फ नेक्सा की मैं बात कर रहा हूँ, और मारुति सुजुकी के भी ऐसे 3-4 हैं, और नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी ऐसे है, गुड़गांव में भी ऐसे है। तो जहाँ पे 3-4 डीलरशिप्स हैं आप कोशिश कीजिए, हर एक डीलरशिप में ट्राई कीजिए, हर एक से बात कीजिए, और जब आप फाइनल कर ले तो किसी, मतलब आप ये शो कीजिए कि आपको दूसरे डीलर वाला इतना सारा डिस्काउंट दे रहा है, बस सकते हैं।
और अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरी सिटी में इंक्वायर कीजिए कि वहां पे आपको कितना फायदा हो सकता है, तो इस तरह से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट की। तो ये पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनेगा। तो मान लीजिए कि आपकी बुकिंग के टाइम पे कोई फाइनल अमाउंट डिसाइड हुई थी कि आपको 7 लाख ऑन रोड गाड़ी पड़ने वाली है, और आपको अलग अलग तरह के डिस्काउंट दिए गए थे कि एक कॉरपोरेट डिस्काउंट हो गया और दूसरा डीलरशिप की तरफ से 10,000 का अलग डिस्काउंट हो गया। तो अलग अलग तरह के आपके मान लीजिए डिस्काउंट थे। तो जब आप पेमेंट के टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ गए होते हैं और फुल पेमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे सेल्स पर्सन क्या टेक्निक अपनाते हैं, ये बोलते हैं कि सर ये 5,000 का जो डिस्काउंट था ये कंपनी की तरफ से अप्रूव नहीं हो पाया, और हम आपको ये जो कॉर्पोरेट डिस्काउंट था 5,000 का ये नहीं दे सकते, या 3,000 का जो भी डिस्काउंट है वो आपको बताएंगे कि कंपनी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला, जिस दिन आप बुकिंग करवाने आए थे उस टाइम पे ये डिस्काउंट था, अवेलेबल था, कंपनी ने अप्रूव किया था, लेकिन आज किसी तरह से रिजेक्ट हो गया। तो हम भी सोचते हैं कि यार क्या अब 7 लाख की गाड़ी खरीदने आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, अब क्या कैंसिल करेंगे, तो खरीद लेते हैं। तो ये भी इनकी एक टेक्निक होती है पैसे बचाने की फाइनल डे पे। और सिमिलर केस जो है हमारे साथ हुआ था बलेनो डेल्टा को खरीदते हुए, और बहुत सारे व्यूअर्स के साथ भी ऐसा हुआ था, उन्होंने कमेंट्स किया था कि फाइनल डे पे कुछ अमाउंट जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दी और उन्हें देनी पड़ी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप 7 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो 3,000 चलो दे देते हैं, 5,000 चलो दे देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो कस्टमर केयर पे कंप्लेंट कर सकते हैं, गाड़ी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, आपको सेम अमाउंट पे गाड़ी ये दे देंगे जो आपने डिस्कस किया था बुकिंग के टाइम पे। और हमने भी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट लगाई थी तो हमें भी गाड़ी जो है वो सेम अमाउंट पे मिली थी जो कि हमारा डिस्कस हुआ था बुकिंग के टाइम पे। तो ये एक तरीका है गाड़ी में पैसे बचाने का फाइनल डे के टाइम। और इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं डिलीवरी के टाइम की, कि डिलीवरी के टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप गाड़ी बुक करवाते हैं उसके कुछ टाइम बाद जब आपकी फाइनल डिलीवरी होने वाली होती है गाड़ी की, एक दिन या दो दिन पहले या फिर फाइनल पेमेंट के टाइम पे जिस दिन डिलीवरी डे होता है उस टाइम पे आपको गाड़ी दिखाते हैं कि आपकी ये वाली गाड़ी आप अच्छे से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे एक सबसे सही सजेशन मैं आपको दूं तो आप एक जो है मिस्त्री, अच्छे से गाड़ियों वाले मिस्त्री को अपने साथ लेके जाएं, उसको 200-500 लेगा, आप उसको साथ लेके जाएं और उससे गाड़ी अच्छे से चेक करवाएं। एक मिस्त्री जो है अच्छा गाड़ी वाला मिस्त्री जो है गाड़ी देख के बता देता है कि गाड़ी जेन्युइन है या कहीं, मतलब वैसे तो गाड़ियां नहीं होती है लेकिन कई बार क्या होता है कि शोरूम में ट्रांसपोर्ट करते हुए थोड़ा बहुत अगर माइनर डेंट्स आ जाते हैं या कहीं से गाड़ी रीपेंटेड होती है, या फिर जैसे कि रिसेंटली तूफान आया था और आपने देखा होगा कि किया सेल्टोस जो है वो एक गैराज में लगभग सारी की 5,000 किया सेल्टोस जो है वो डैमेज हो गई थी, किसी पे पेड़ गिर गया था, किसी पे कुछ। तो ये गाड़ियां वो बेचते ही हैं अपने, यही वो गाड़ियां होती है कि जो जहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है। तो आप एक मिस्त्री को साथ लेके जाएं, वो गाड़ी को अच्छे से पहचानते हैं मिस्त्री, और कहीं से रीपेंटेड है, डेंटेड है या कुछ भी गड़बड़ है तो मिस्त्री को पता लग जाता है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप खुद पता नहीं कर सकते कि गाड़ी कहाँ से पेंटेड है कहाँ से डेंटेड है तो आप एक मिस्त्री को जरूर साथ लेके जाएं। तो ऐसे में आपको कहीं भी जो है धोखा नहीं लगेगा गाड़ी खरीदते हुए। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो कि आपको गाड़ी खरीदने से पहले जरूर ध्यान में रखने चाहिए अगर आप कुछ अमाउंट जो अपनी सेव करना चाहते हैं। तो यह मैं आपको बता दूं, मेरी गाड़ी पे बलेनो डेल्टा पे मुझे जो डिस्काउंट मिला था वो कुछ इस तरह से था, हमें कुछ कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला था 5,000-10,000, और इसके अलावा कॉर्पोरेट डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप किसी एमएनसी में या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो ये हमें जो है कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला था, उसके अलावा फुल पेमेंट सेम डे पे हमें कुछ डिस्काउंट मिला था कि सेम डे पे अगर आप सारी पेमेंट कर रहे हैं तो हमें इसके लिए भी कुछ 2,000 का डिस्काउंट मिला था। और तो चलिए अब मैं आपको बलेनो के डिस्काउंट की समरी बता देता हूँ। जो बलेनो हमने खरीदी तो करीब 5,000 के अप्रोक्स हमें जो है कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला था, इसके अलावा 2,000 के अप्रोक्स फुल पेमेंट सेम डे करने पे हमें मिला था, और 31K का डिस्काउंट जो है वो फ्लैट डीलर की तरफ से था, और इसके अलावा 25K हमने एक्सक्लूड करवा लिए थे जो कि एक्सटेंडेड वारंटी और एक्सेसरी किट हमने शोरूम से नहीं ली थी। ये डिस्काउंट जो है हमारा एक्स शोरूम प्राइस में एडजस्ट किया गया था, और ओवरऑल ऑन रोड ये गाड़ी हमें पड़ी थी 6,60,340 की। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनसे हमें डिस्काउंट मिला था। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो गया है, कुछ ऐसे और भी तरीके हैं जिनसे आपको डिस्काउंट लेने में थोड़ी मदद मिल सकती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर शेयर करें। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिनकी वजह से आपको नई गाड़ी खरीदते समय डिस्काउंट लेने में हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक एंड बेल आइकन दबाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।